हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट में पूछे जाने वाले कुछ वाइवा के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें कि मेनली हमको दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं या फिर कभी कभी एक ऑब्जेक्ट या एक क्वेश्चन ही दिया हुआ होता है। देखिए, जो पहला ऑब्जेक्ट आपको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड from a DC source of unknown internal resistance to various load resistance and hence verify the maximum power transfer theorem। यानी कि आपको अलग अलग पावर पे, यानी जो पावर डिलीवर होगी DC source से, उस पर अलग अलग लोड resistances, जो अलग अलग लोड resistance होंगे उन पर आपको variation निकालना है, उसका graph plot करना होता है और verify भी करना होता है maximum power ट्रांसफर थ्योरम को। ओके, देखिए, जो इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी सोर्स एंड वेरीफाई द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बाय स्टडीइंग द डिपेंडेंस ऑफ पावर डिलीवर्ड टू द लोड। देखिए, इसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वेरीफाई करते हुए आपको इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है जो डीसी सोर्स आपने लिया है उसका। ओके, इसमें भी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वेरीफाई करनी है एंड आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है डीसी सोर्स का वेरियस लोड रेजिस्टेंसेस पर। देखिए, आप जरा इसको समझ भी लीजिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती क्या है। देखिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती क्या है कि इसमें एक डीसी सोर्स कनेक्टेड होता है हमारे लोड रेजिस्टेंस से, जिसमें कि हम अलग अलग रेजिस्टेंसेस पर उस डीसी सोर्स से आने वाली पावर को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि किस टाइम पर या किस लोड रेजिस्टेंस पर हमको मैक्सिमम पावर फाइंड हो रही है या किस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम पावर मिल रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने खूब सारे सेल ले लिए, उन ड्राई सेल्स को आपने सीरीज में कनेक्ट कर लिया और फिर आप कोई अपरेटस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपरेटस नहीं चलता है। इसका रीजन क्या है? वो जो अपरेटस आपका नहीं चला, उसे हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के एक्सपेरिमेंट से समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। इसका एक लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले एग्जामिनर आपसे बेसिक्स क्वेश्चन पहले पूछता है। ये मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, आपको बेसिक्स पहले आने ही चाहिए। देखिए, जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा पावर क्या होती है और इसका कमर्शियल यूनिट क्या है। देखिए, पावर आप सब जानते हैं, पावर P इक्वल टू W बाई T, यानी कि वर्क डन इन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, यानी कार्य करने की क्षमता को ही हम शक्ति कहते हैं। इसकी यूनिट जो कमर्शियल यूनिट है वो 1 यूनिट होती है और इसे हम किलो वाट आवर के अंदर डिफाइन करते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलो वाट आवर इन जूल्स, जो 1 किलो वाट या 1 यूनिट होता है उसकी वैल्यू जूल में क्या होगी। तो इसका आंसर होगा 1 किलो वाट की वैल्यू जूल के अंदर 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज द मैचिंग ऑफ लोड, यानी कि लोड मैचिंग क्या होता है। देखिए, जो लोड मैचिंग होता है वो जिस स्टेट में हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिल जाती है, जिस लोड पर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिल जाती है, उसे हम उस स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, मैचिंग ऑफ लोड। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बाय चेंजिंग द लोड रेजिस्टेंस इज नोन एज मैचिंग ऑफ लोड। जो अगला क्वेश्चन है वो यू है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, जो पावर की वैल्यू होती है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वो कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा द पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट I following in the circuit, that is P equal to VI, जिसे हम V equal to I से अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे V square upon R equal to I square into R, where R is the resistance of the circuit. तो ये भी आपने formula पढ़ा ही होगा। जो next question fifth है वो है upon what factors does the power delivered to a resistance depend? देखिए, जो power डिलीवर्ड होगा रेजिस्टेंस के थ्रू वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो आंसर है इसका द पावर डिलीवर्ड टू अ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि जो पावर होगा सिंपली जो तो पावर डिलीवर्ड टू अ रेजिस्टेंस जो होगा वो वोल्टेज वी और करंट आई पर डिपेंड करेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर अ डीसी सोर्स। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो होती है वो डीसी सोर्स के लिए क्या होती है। इसका आंसर होगा द पावर डिलीवर्ड टू अ लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम अ डीसी सोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल ऑफ द सोर्स। यानी कि देखिए कब मैक्सिमम होगी, जब लोड रेजिस्टेंस है ना इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना उस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तब हमको मैक्सिमम पावर डीसी सोर्स से डिलीवर होगी। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ पावर इज मेजर्ड, पावर को कैसे मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना करंट का इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर। देखिए जो हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, यानी कि जैसे आपने देखा ही होगा जब आप किसी अपरेटस को बहुत ज्यादा देर तक यूज करते हैं या फिर टेलीविजन या फोन वगैरह, तो वो थोड़ी देर बाद हीट होने लग जाता है। तो वो हीट क्यों होता है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में कॉलिजन वगैरह कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उस कॉलिजन से या फिर उस करंट के फ्लो होने से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम ये मेजरमेंट कर सकते हैं पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ है, वो है हाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स इज डिटरमाइंड बाय मैचिंग ऑफ लोड, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ही आपसे पूछा गया था, तो इसमें ये पूछा गया है कि हाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स इज डिटरमाइंड बाय मैचिंग ऑफ लोड। देखिए मैचिंग ऑफ लोड मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, अब इसके आंसर की बात करते हैं। देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी सोर्स इज डिटरमाइंड बाय ऑब्टेनिंग द स्टेट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बाय मैचिंग ऑफ लोड। यानी कि जब आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्टेट मिल जाएगी तब आप इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी डीसी सोर्स का वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इस टाइप के VL और I कर्व में दिख ही रहा है आपको। इससे हम सोर्स रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं, जिसमें डेल्टा VL अपॉन में डेल्टा I आपको फाइंड करना होता है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100 वॉट मार्क्ड ऑन ए बल्ब। यानी कि अगर मान लीजिए किसी बल्ब पर 100 वॉट लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब बस इतना सा होगा कि इफ 100 वॉट इज मार्क्ड ऑन ए बल्ब इट मींस दैट द बल्ब कंज्यूम्स 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। आपने अभी तो सुना ही होगा LEDs यूज करते हैं हम, 10 वॉट 0.5 वॉट 7 वॉट 9 वॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा होती है। इसका मतलब है 10 वॉट का मतलब 10 जूल एनर्जी खर्च होती है एक सेकंड में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इफ अ 40 वॉट बल्ब वर्क्स ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट। यानी कि एक 40 वॉट का बल्ब है, लट्टू है, ओके, और ये 220 वोल्ट पर काम कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा इसके फिलामेंट्स का जो कि अंदर दिख रहा है ना कुछ इस टाइप से उसका। तो सिंपली P=V² / R से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि R=V² / P = 220 × 220 / 40 = 48400/40 = 1210 ohms होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर और रेजिस्टेंस का जो हम कर्व बना रहे थे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर, वो कर्व किस तरीके से बनता है। तो देखिए ये जो आपको इमेज दिख रही है जिसमें कि पावर मैक्सिमम आ रहा है इस पॉइंट पर, आर नॉट ही क्या होगा, ये लोड रेजिस्टेंस होगा जो हमें मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। ये कुछ ग्राफ इस तरीके से है, इसे ध्यान रखिएगा। नाउ जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक कार है जो कि 12 वोल्ट पर स्टार्ट हो जानी चाहिए
स्टार्ट हो जाती है इजिली, है ना, उसे हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 8 ड्राई सेल्स हैं जो कि हमने सीरीज में जोड़ रखे हैं, जिनका कि 12 वोल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसका रीजन क्या है? और जैसे ही हम 12 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं तो ये इजिली स्टार्ट हो जाता है। वाई इज दिस डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस क्यों है? देखिए, इसका आंसर होगा दिस डिफरेंस इज ऑन अकाउंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 8 ड्राई सेल्स का, वो सीरीज में लगाने से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जो कि लगभग 30 ओम्स के आसपास पहुंच चुका है, जबकि जो कार की बैटरी जो हमने 12 वोल्ट वाली ली थी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ओनली ऑन 0.1 ओम ही होता है, जो कि इजिली कार को स्टार्ट कर सकता है। ड्यू टू विच द मैक्सिमम करंट एंड पावर आर नॉट सफिशियंट टू स्टार्ट द कार, जो कि 30 ओम्स के केस में हुआ था। सो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए कार बैटरी इज ओनली 0.1 ओम, तो इजिली वो स्टार्ट कर देगा, जो कि 8 सेल मिलके भी नहीं कर पाएंगे। तो ये थे कुछ वाइवा के क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से रिलेटेड थे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको जरा भी कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।